नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है। लगातार किसान 9 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पे डटा हुआ है। एक ही मांग की कृषि कानून, जिसे किसान काला बता रहे हैं, उसकी वापसी को लेकर 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। इसी के साथ हमारे साथ हरिंदर ताऊ हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं कृषि कानून की जो विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, उससे निकल कर एक बड़े चेहरे के तौर पर निकले हैं हरिंदर ताऊ। सवाल ये है कि करीब काफ़ी दिन हो गया, 9 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन हल कुछ नहीं निकला, सरकार सुन नहीं रही है। यूपी चुनाव है, आपने कई धमकियां दी, बंगाल को लेकर धमकी दी, रिजल्ट भी आ गया बंगाल का, आप लोग खुश भी हो गए, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। फिर आखिरी में आपके पास क्या उपाय बचता है? कौन कह रहा है के सरकार के जो नहीं रेंगती? अरे उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार घुटनों में आ चुकी है, नाक रगड़ना बाकी है। वो तो पराली का कानून वापस ले लिया है, पराली पे लगाया गया जुर्माना किसानों को वापस करेगी। तो मतलब पराली से आप खुश हो गए हैं? मतलब आप किस लिए आए थे? आप आए थे कि कृषि कानून की वापसी, अब आप पराली गन्ने का भुगतान इसी पे अटक गए हैं, तो मतलब आप भूल गए हैं क्या कि आप किस चीज के लिए आंदोलन में आए थे? तो ये किसने कहा हम भूल गए? मैंने ये कहा है कि जो तुम्हारा सवाल है कि किस सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही, ये किसके कान पे जू रेंगी है? कानून किसने वापस लिया है? जुर्माना कौन वापस कर रहा है? ये इस किसान के आंदोलन की ताकत है। और अभी ताकत, अभी तो आंदोलन देख और आंदोलन की धार देख। यूपी के कुछ बिगाड़ पाएगी ये आंदोलन? क्या यूपी चुनाव पे कुछ बिगाड़ पाएगा? क्यों, तुम तो बंगाल पे भी यही बात करते थे मेरे से कि क्या कर पाओगे। ये वो किसान है कि जो 2000 किलोमीटर जा कर के बंगाल के लोगों को, जो हमारी भाषा भी नहीं समझते, उनको समझा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तो हम रहते हैं। बंगाल में कहा जाता है कि बीजेपी जो है कमजोर थी, उत्तर प्रदेश में मजबूत है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक बड़ा चेहरा है, हिंदुत्व चेहरा माने जाते हैं, तो क्या उनको दिक्कत होगी यहाँ पे? क्यों, बंगाल में भी तो गया था यो। पूरी बीजेपी, पूरी आरएसएस, भारत सरकार, सारे राज्यों की बीजेपी सरकार, सब लग चुके थे, सारा गोदी मीडिया। और योगी जी कह रहे हैं कि कुछ किसान या कुछ टिकैत समर्थक क्या बिगाड़ देंगे हमारा चुनाव में। जिनको लगता है कि हम कुछ हैं, हम मुट्ठी भर हैं, उन्हें खुला चैलेंज है। 5 तारीख होगी, मुजफ्फरनगर का मैदान होगा और किसानों का जन सैलाब होगा, वहाँ दिखाई देंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बक्कल तार देंगे, लखनऊ तो आइए। उनको बता दो कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, बक्कल कैसे उतारा जाता है अपने विधायक से पूछ सिसोली में। मतलब आप जा करके लखनऊ में विरोध करेंगे, बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे? लखनऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में, और जहाँ जहाँ बीजेपी, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, किसान का ट्रैक्टर, किसान का टैंक वहीं वहीं दौड़ेगा। इतना प्रभाव है किसानों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ दे तो बाकी जगह में, मध्य में, पूर्व में, पूर्व, इतना प्रभाव है किसानों का कि वो चुनावी आंकड़े में बदल सकती है? तुम आंकड़े की बात करते हो, अरे हम सरकार बनाते हैं, सरकार बदलते हैं, और कोई इफ और बट नहीं चलता। देख लेना कि अभी आ रहे हैं, 5 तारीख को ऐलान हो जाएगा कि कौन कौन सी कमिश्नरी में कब कब चुनाव हमारी पंचायत है। आपकी जो संगठन है किसान यूनियन, जो है गैर राजनीतिक संगठन है, तो फिर ये राजनीति क्यों कर रहे हैं किसान यहाँ पे? आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या अरे बीजेपी को हराएंगे तो एक आरोप आप पे लगेगा कि राजनीति कर रहे हैं आप इस बार। क्यों, ये क्या करते हैं, मुजरा? राजनीतिक पार्टी मुजरा कर रही है? अरे राजनीतिक पार्टियों ने काले कानून हमारे सिर पे दिए, जहर का प्याला हमारे हाथ में दिया, तो जहर पी लें। वो तो कह रहे हैं फायदे का कानून है, ले लीजिए, आनंद आएगा। तो गद्दी छोड़िए, फायदे की चीज है, छोड़ो, खुद ही पी लेना, छुड़वाओ उनसे गद्दी। जिस तरह उन्हें गद्दी प्यारी है, उसी तरह हमें अपना देश प्यारा है। और अब ये किसान आंदोलन नहीं,
देश बचाओ आंदोलन है। अगर देश बचेगा तो ये किसान बचेगा, देश बचेगा तो ये सम्मान बचेगा। पगड़ी संभाल जट्टा आ गया मैदान में, मतलब किसानों का पूरा प्रभाव दिखेगा चुनाव में। रुक जा, 5 महीने ही तो है, मार्च का महीना होगा, योगी जी मठ में घंटे बजाते होंगे और यही प्रधानमंत्री होगा और दूसरा मुख्यमंत्री होगा, रैलियों में गाली देता होगा और जीतने के बाद उसे ही नमस्ते करके प्रणाम करता होगा, ये दिखा दूंगा। चलिए, किसान जो है राम मंदिर को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार में राम मंदिर बना, मैनिफेस्टो में योगी जी ने डाला था कि आएंगे तो राम लल्ला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर बन गया। तो किसान, आप भी हिंदू हैं, तमाम लोग हिंदू हैं, वो कैसे देख रहे हैं राम मंदिर को यहां? पहले तूने मैनिफेस्टो की बात करी, बता मैनिफेस्टो में कहां लिखा था कि रेल बेचेंगे, मैनिफेस्टो में कहां लिखा था कि सेल बेचेंगे, भेल बेचेंगे, LIC बेचेंगे, ONGC बेचेंगे, BSNL बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे और बाद में इस पूरे देश के किसान की जमीन बेचेंगे, ये उनके मैनिफेस्टो में कहां लिखा था? ये आपकी निगाहें जो है किसान की है वो खेत तक होती है, लेकिन आपकी निगाहें तमाम जगह है, क्या बिका, क्या खरीदाया, तो खेत से निकल के वहां तक निगाहें कैसे चलेगी? ये आंदोलन का असर है क्या? ये आंदोलन का असर नहीं है, ये किसान के ट्रिपल टी का असर है। ये क्या होता है, भूल गए? देखिए, जो सेना में हमारा बेटा टैंक चलाता है, पहला टी, उसका बाप ये यहाँ पे ट्रैक्टर चलाता है खेत में, डबल टी, और उसके बेटे यहाँ भाई, उसके ये बेटे ट्विटर चलाते हैं, ये ट्रिपल टी का कमाल है। मतलब किसान है या किसान पुत्र है, अब ट्विटर भी जान रहा है चलाना। अगर ये ट्विटर नहीं चलाएगा तो ये देश बिक जाएगा, देश बचाना है तो आंदोलन में आना पड़ेगा। तो मोदी जी वही कह रहे हैं ना कि वापस जाइए, ट्रैक्टर चलाइए, खेत में अच्छे लगते हैं किसान, क्या आंदोलन में कर रहे हैं? तो मोदी जी से कहो वापस जाओ, उसी रेलवे स्टेशन पर जाओ, चाय बनाओ, देश कोई और चला लेगा। मतलब सेवा करे तो वो ठीक नहीं लग रहा है आपको, सेवा करे अगर? चाय बना के पिलाने से अच्छी सेवा कौन सी है? देश चला रहे हैं, देश चला कहाँ रहे हैं, देश बेच रहे हैं। लेकिन लोकप्रिय प्रधानमंत्री माने जा रहे हैं, तमाम जो टीवी, जो मेन टीवी चैनल है, उन सर्वे आ रहा है कि लोकप्रिय है सबसे। सब दुनिया का सबसे झूठा, सबसे नालायक प्रधानमंत्री साबित है, उसे क्यों नहीं मानते तुम? ये देश की जनता कह रही है, जिसने उसको चुना है वो कह रही है सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। आज तक बताओ प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका उल्टा किया। तुम लोग इनसे पूछ रहे हो कि छोटे किसानों का भला कर रहे हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री को और जिस देश के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं कि छोटा किसान कौन होता है, बड़ा कौन होता है? किसान तो सभी। उत्तर प्रदेश के अंदर 12.5 एकड़ से बड़ा कोई किसान नहीं है एक भी, तो इन्हें पता ही नहीं है। तभी तो कहता हूँ कि देश में मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्रदेश में मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा हो चाहिए और देश में प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा। प्रधानमंत्री भी तो इनमें पास है, कहाँ इनमें पास है, किसके कौन से स्कूल में पढ़े, तो बेचाई बेचनी कोई है हिंदुस्तान में उसके साथ पढ़ने वाला, ये पढ़ा होता या कोई टीचर उसे पढ़ाने वाला है कोई? नहीं, यही तो ठीक है, देश तो चला रहे हैं अच्छा कि नहीं? नहीं, कहाँ देश चला रहे हैं, देश बेच दिया। लाल किले पे खड़ा होके देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, 2019 में 100 लाख करोड़ की योजना है, बजट 28 पॉइंट कुछ करोड़, योजना 100 करोड़। यूपी को तो लाखों करोड़ों का पैकेज मिल ही रहा है, आप यूपी से आते हैं, तुम कहां से आते हो? मैं तो बिहार से आता हूं। बिहार से आते हो? ये मोदी जी चुनाव से पहले बिहार गए थे और तुम्हारी बोली लगाई थी, याद है कि दे देता हूँ, बताइए कितना कर दूं, 50 लाख कर दूं, 50 लाख करोड़ है, चलिए 60 कर दिया, चलिए 70 कर दिया, बताइए और 80 कर दिया, 1.25 लाख करोड़ देता हूँ,
आया था रे झुंझुना मतलब ताऊ भी अब मजे हुए नेता हो गए हैं नहीं क्या हरिंदर ताऊ भी अब मजे हुए नेता हो गए हैं बोलचाल से भी अब लग रहा है। मिला देखिए मिला क्या है? अगर सवाल करें तो नेता चुप रहे, गुलाम हैं हम, रया है उनकी। जो भी गलत करेगा वो कोई राजनेता हो सवाल उससे ही करेंगे, मतलब इस देश को नहीं बिकने देंगे। मतलब निगाहें कुल मिलाकर कुर्सी पे तो टिकी हुई है आपकी, क्या कुर्सी पे निगाहें पहुंच गई? कुर्सी पे देखिए हम जिसके चटे हुए हैं वो कह करके गए थे। अगर देखो एक चीज का याद रखना, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कह के गए थे कि एक चीज का ध्यान रखना किसानों, एक नजर खेत पर और एक नजर संसद पे रखना। और दूसरी बात कह करके गए थे कि जिस दिन सड़क सूनी हो जाएंगी संसद आवारा हो जाएगी, और सड़क सूनी हो गई थी, आंदोलन ही नहीं हो रहे थे इस देश में, तो संसद आवारा हो गई, बना दिए तीनों काले कानून हमारे लिए। तो अब सड़क आबाद कर दी है, संसद भी आबाद कर देंगे, चलिए ये वादा है। तो 9 महीने से ऊपर हो गए हैं किसान आंदोलन को, लेकिन किसानों का जोश हौसला तो आपने देखा। तमाम लोगों से हमने यहाँ पे बातचीत की, सब ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय यूपी चुनाव के ऊपर भी रखी कि आखिर किसान कैसे सोचता। जी ठोक रहे हैं बीच में क्या? देखिए, अरे इधर आ जाओ, थोड़ा पीछे की तरफ आओ, हाथ उठा के देखना, पीछे की तरफ आओ, पीछे हो जाओ। देखिए आज जिस यूनियन के हम सिपाही हैं, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की रैली में नारे लगते थे, आज वो नारा हम लगाएंगे और मोदी और योगी को डराएंगे। नारा था, मैं कहूँगा हर हर महादेव, आप कहोगे अल्लाह हू अकबर, मैं कहूँगा अल्लाह हू अकबर, आप कहोगे हर हर महादेव। ये नारा था पहले से, इसको चरित्र रात करना है। हर हर महादेव, अल्लाह हू अकबर, हर हर महादेव, जो बोले सो नियाल। मतलब ये वो चैन है जो इस आंदोलन से बनी है, और ये स्टेनलेस स्टील की चैन है, इसमें कोई कड़ी ऐसी नहीं है जिसमें कोई जोड़ देख ले और सरकार उसे तोड़ सके। मतलब कोई बड़ा हिंदू का हिंदुत्व चेहरा बिगाड़ नहीं सकता। कौन हमसे बड़ा हिंदू, कौन इनसे बड़ा सिख, कौन और इनसे बड़ा मुसलमान कौन। चलिए तो ये किसान है जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी यहाँ पर पेश कर रहे हैं, सबसे बातचीत किए और खासकर हरिंदर ताऊ से हमने यहाँ पे बातचीत की, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज में, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।